अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में हुई आम विधायक दल की बैठक में अतीशी को विधायक दल का नेता चुना गया। राजभवन में आज अतीशी के साथ पांच मंत्री भी शपथ लेंगे। कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक अतीशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। वहीं अतीशी को 9 मार्च 2023 को पहली बार मंत्री बनाया गया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उन्हें केजरीवाल कैबिनेट में एंट्री मिली थी। आप द्वारा घोषित नई कैबिनेट में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और सुल्तानपुर माजरा से पहली बार विधायक बने मुकेश अहलावत शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने शुक्रवार देर रात इनके नामों पर मुहर लगा दी थी। वहीं गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन केजरीवाल सरकार में भी मंत्री हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत 7 सदस्य हैं। मंत्रिमंडल के 7वें सदस्य का नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार उपराज्यपाल कार्यालय में अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अतीशी को शपथ ग्रहण की तिथि में दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है और अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और शपथ ग्रहण समारोह राजनिवास में आज शाम 4:30 बजे होगा। वहीं आपके एक नेता के अनुसार शपथ ग्रहण कार्यक्रम सादे ढंग से आयोजित होने की संभावना है। अतीशी सरकार का कार्यकाल बेहद छोटा होगा क्योंकि दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अतीशी ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। केजरीवाल की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल में अतीशी के पास वित्त, राजस्व, लोक निर्माण विभाग और शिक्षा जैसे 13 प्रमुख विभाग थे। खबरी चौखट की रिपोर्ट।